Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh An, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sheikh Sheikh. खवातीन हज़रात, आज फिर हमने ज़हमत दी है अपने साथ अपने अच्छे दोस्त एडवोकेट मोहम्मद इफ्तिखार साहब को. एडवोकेट इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच सर. शेख साहब, बहुत मेहरबानी आपकी. अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हिब्बा गिफ्ट के बारे में. इनकम टैक्स रिटर्न का जमाना है. अक्सर हम देखते हैं कि एक साहब जो है अपनी रिटर्न में लिखते हैं, मैंने अपने बेटे को फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन गिफ्ट दे दिया कैश, या ये गाड़ी मैंने खिलाने को अपने को गिफ्ट दे दी. उसके बाद फिर ऑब्वियसली जो टैक्स कंसल्टेंट होगा वो उनको डेफिनेटली कहेगा जी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री अगर बेटे के नाम है तो उसकी रिटर्न में भी गिफ्ट रसीद की ये एंट्री होनी चाहिए. प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी मैंने, कार्ड गिफ्ट कर दी, समटाइम वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी. अच्छा, हुआ क्या, आफ्टर 3-4 ईयर अगर उसकी कोई नोटिस आ गया तो उन्होंने कहा जी ठीक है आपने गिफ्ट दिया है, या आपने कोई ऐसी स्टेट है या ऐसी कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी है, गाड़ी है समथिंग, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट, तो वो कहते हो बैक डेट में भी, आज यू नो कि बैक डेट में डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं या नहीं हो सकते, प्रॉब्लम है. तो क्यों ना आज हम एडवोकेट खार साहब से ये समझते हैं, एक तो हिबा या गिफ्ट करना क्या, व्हाट आर द वैलिड एसेंशियल, तो कि अगर करना है तो किस तरीके से करना. हिबा गिफ्ट तो इज वन ऑफ द forms, acceptable form of transferring your property to your loved ones, of course. तो वो किस तरीके से करना है, या अगर फाई अदारे को करना है तो क्या उसके लीगल चीजें क्या है, और किन किन हालात में ये क्वेश्चन हो सकते हैं, किन किन हालात में ये क्वेश्चन नहीं हो सकते. तो हजरात इफ्तिखार साहब, हमें सबसे पहले ये बताइए कि what is the mode of हिबा itself, gift की mode है क्या चीज. इस transaction को मैंने किसी layman को समझाना हो तो क्या है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शेख साहब, बड़ा अच्छा लफ्ज आपने यूज किया है हिबा. बेसिकली तो ये अरबिक लफ्ज है और इंग्लिश में इसको गिफ्ट बोलते हैं. अभी जिस तरह नाम से जाहिर है गिफ्ट, तो डेफिनेटली इसमें तीन चीजें जो है ना, तीन इनिशियल एलिमेंट जो है ना वो होना इंतहाई जरूरी है. हाँ, वही बताने लगा हूँ सर. नंबर वन, गिफ्ट देने वाला डोनर, जिसने गिफ्ट देनी है वो डोनर अवेलेबल हो, और जो गिफ्ट चीज हो रही हो वो अवेलेबल हो, और जिसको गिफ्ट देना है डोनी उसको बोलते हैं हम लीगल टर्म में. तो गिफ्ट देने वाला ऑफर करेगा और गिफ्ट लेने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा. और तीसरा पोजेशन है, पहले गिफ्ट देने वाले के पास वो चीज उसके कब्जे में थी, अभी जब तक इसको हैंडओवर नहीं करेगा डोनी को तो ये हिबा की ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी. तो पोजेशन हैंडओवर करना इंतहाई जरूरी है. अभी मैं तीन चीजें आपको बता रहा हूं. हैंडओवर एंड टेकन ओवर, उधर से वो डोनर पोजेशन हैंडओवर करेगा, डोनी जो है उसको रिसीव करेगा और एक्नॉलेज करेगा. तो इस तरह ये हिबा एक कंप्लीट हो गया. किसी ने भी गिफ्ट करना है, सपोज मैं आपको कहता हूँ जी शेख साहब मैं आपको ये घड़ी हिबा करना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ, अगर आपके पास घड़ियां मौजूद है आप कहेंगे नहीं यार मुझे चाहने लेने की जरूरत नहीं है, तो ये हिबा कंप्लीट नहीं होगा. अगर आप कहते हैं यस मैं आपको ये हिबा आपका कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे ही आप कहेंगे मैं आपका हिबा एक्सेप्ट करता हूँ तो वो जो डोनर है वो आपके हैंड ओवर करेगा कि ये जनाब घड़ी वॉच आप रख लें मेरी तरफ से, ये हिबा है, और आपने पकड़ के अपने पास रख ली तो ये हिबा की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई. ये नहीं हो सकता कि वो कहेगी मैं आपको घड़ी खरीद के हिबा करता हूँ या कल कर दूंगा वो कर दूंगा, ये नहीं होगा. उसके पास मौजूद हो और इसका जो बेसिक चीज है ये हैंड ओवर होना चाहिए. ठीक है. अच्छा सर, इसके कोई डॉक्यूमेंट क्या एग्जीक्यूट होंगे, या सिंपल पोजेशन ही, पोजेशन अपनी स्टेट चेंज करेगी उस प्रोडक्ट की या उस आर्टिकल की, या कोई डॉक्यूमेंट भी एग्जीक्यूट होना जरूरी है सर? बहुत अच्छा सवाल सर.
बेसिकली सर ये है कि गिफ्ट कोई चीज भी हो सकती है, मूवेबल चीज भी हो सकती है, इमूवेबल चीज भी हो सकती है। ऐसी चीज जिसकी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है वो हिपा भी रजिस्टर्ड होगा। जबरदस्त आपने बात की है और ये तीन लफ्जों में कर दी कि जिस चीज को रजिस्टर होना जरूरी है वो डॉक्यूमेंट लाजमी वो बनेगा और वो रजिस्टर होगा। आपने सर तीन अल्फाज में बात कर दी माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब ऐसा ही है। सपोज अगर एक बाप अपने बेटे को एक मकान गिफ्ट करता है तो बेसिकली वो मकान बाप के नाम का है, वो बेटे के नाम करना चाह रहा है तो बेटे को उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएगा, रजिस्टर्ड करवाएगा हिबा डीड को। हिबा डीड रजिस्टर कराने के बाद यही रजिस्टर्ड डीड अपने बेटे के हैंड ओवर करेगा और उस मकान का पोजेशन भी अपने बेटे के नाम होगा, उसके बेटे को दे देगा, तब जाके ये हिबा की ट्रांजैक्शन, हिबा की डीड ये कंप्लीट होगी। गुड, दैट्स गुड। अच्छा वो जैसे मकान की वो रजिस्टर हो जाएगा तो उसके बाद मजीद रजिस्ट्री करवाने की तो जरूरत नहीं है ना फिर डोनी को सर? नहीं नहीं, देखें रजिस्टर डॉक्यूमेंट के कुछ नाम है सर, जिस तरह बैनामा है, गिफ्ट है, मुख्तारे आम है, मुख्तारे खास है, फॉर्म रजिस्टर्ड है, इसी तरह रजिस्ट्रेशन का नाम हिबा है वो इटसेल्फ उसके नाम से जाहिर है कि ये हिबा रजिस्टर्ड होगा। अगर कोई रजिस्ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मकान है, जरी जमीन है, दुकान है या व्हाटएवर जो चीज भी रजिस्टर्ड हो सकती है वो हिबा की जो डीड होगी वही रजिस्ट्रेशन होगी, दोबारा रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, वही रजिस्टर्ड है। जबरदस्त सर आपने बड़ी मुख्तसर वैसे जवाब देते हैं। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन एक आपको मैं बात बता दूं, ये अभी हमने ये तय किया है कि हिबा हिबा का लफ्ज ये इस्तेमाल करें ना कि हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात, ताकि ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये आपके लिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? अच्छा अच्छा, दूसरा खास सर ये बताइए, एक तो आपने हमें हिबा का सेंसर बता दिए, उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट बता दी, अच्छा फिर उसके में ये बता दें कि क्या ये एक बार जब गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हो गई और जो उसकी जो प्रॉपर्टी थी जो उसकी पोजेशन भी हो गई, और क्या सब्सिक्वेंट एट एनी लेटर स्टेज अभी वो गिफ्ट देने वाला भी हयात है, गिफ्ट लेने वाले भी माशाल्लाह हैं, क्या ये चैलेंज हो सकती है? नंबर वन, रिवोक हो सकती है? नंबर टू, जी सर देखें अगर बाप है उसने जब हिबा किया अपने किसी एक बेटे को या किसी बेटी को या प्यार करने वाले किसी शख्स को जब वो गिफ्ट किया तो उसमें वो एलिमेंट लिखा जाता है आप किसको हिबा करना क्यों चाह रहे हैं, तो वो लिखता है कि मुझे बेपनाह मोहब्बत है, मुझे बेपनाह उन्स है इस बेटे से या इस बेटी से, मुझे मेरे लिए ये बहुत लाडला है, तो मैं लव एंड अफेक्शन के जरिए मुझे इनसे मोहब्बत और उन्स की वजह से मैं ये हिबा कर रहा हूँ। इसको हिबा हो गया, हिबा रजिस्टर्ड हो गया और हिबा की तमाम ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, हिबा उनको गिफ्ट दे भी दी, जो जगह है, जो मकान है, जो चीज है वो उसे हैंडओवर कर दी गई। अभी कुछ साल के बाद या दो चार साल के बाद देखा कि वो बाप के साथ उसका एटीट्यूड सही नहीं है, उस गिफ्ट जो जिसने गिफ्ट लिया डोनी ने, तो वो डोनी के पास एक राइट हासिल है कि वो जो डोनर है वो सिविल कोर्ट जा सकता है, चैलेंज कर सकता है कि मुझे इस शख्स के साथ मोहब्बत थी, पहले उन्स था और मैंने इसको गिफ्ट कर दी है, अभी मुझे इससे नफरत हो गई है, मुझे डिसबिहेव कर रहा है, मुझे इसके शक व शबहात के ऊपर जो है वो कुछ राइट रिजर्व हैं, तो मैं इसका हिबा रिवोक करना चाहता हूँ, चैलेंज कर सकता है, बाद में एविडेंस और कोर्ट देखेगा कि इसको खारिज करना है, इसको कैंसिल करना है या इसको इसी तरह रखना, ये बाद में वो हालात वाकया देख के तो उस जो जिस इलाके में ये हिबा हुआ हो उसकी जुरिडिक्शन है उस कोर्ट की कि इसको वो कर सकती है सर अपने सवाल से। लेकिन इसका मतलब ये आप जब हमारे तो एज पर द लॉ रेवोकेशन या कैंसिलेशन ऑफ ए हिबा ऑफ ए गिफ्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड दूसरे की पोजेशन में जा चुका है, एक्सेप्टेड है, इस इतना आसान नहीं है इसका मतलब? इतना आसान नहीं है और बाद में चैलेंज करना भी इतना आसान नहीं है, वो हालात वाकया देखे जाएंगे कि क्या वाकई ही इस तरह है, बाप ने प्यार में मोहब्बत में अगर अपनी औलाद को दिया है तो वो इसका हक रखता है, चैलेंज करने का भी हक रखता है, वो बाद में देखा जाएगा कि क्या ये तमाम ट्रांजेक्शनें पूरी कंप्लीट हुई हैं या कुछ रह गई हैं। अमूमन शेख साहब हमारी इस सोसाइटी में होता यह है कि एक ज्वाइंट फैमिली घर होता है,
फैमिली होती है उसमें किसी एक बच्चे के नाम वो हिबा कर देता है बाप मोहब्बत में प्यार, वो अभी छोटा होता है या नाबालिग होता है या बड़ा होता है, बट वो उसी घर में रह रहे होते हैं। पोजेशन जो देना होता है वो ऑलरेडी पहले ही उसी घर में रह रहे होते हैं, और जो घर की रजिस्ट्री होती है, जो हिबा की रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन हुई होती है, वो भी किसी घर के बड़े फर्द के पास होती है, माँ के पास या बाप के पास ही होती है। तो यहाँ पे ये एक एलिमेंट हो जाता है कि बाप जो हिबा की असल एग्जीक्यूशन की जो डीड है वो अपने पास ही रखता है, और बाद में वो कोर्ट चला जाता है। तो कोर्ट ये देखती है कि ट्रांजैक्शन तो बाप के पास ही, अभी एग्जीक्यूट डीड जो है वो तो बाप के पास ही है, तो हिबे की ट्रांजैक्शन ही पूरी नहीं हुई। तो इस लिहाज से ये चैलेंज हो जाती है, हो जाती है। बाद में हालातों वाकया देखा जाता है, उसकी एविडेंस देखी जाती है, उस एविडेंस के तहत फिर कार्रवाई सारी हो जाती है। अच्छा साहब, ये बताएं कि क्या ये, अच्छा ये जरूरी है कि हिबा, जब हम कहते हैं मोहब्बत हो, अपनी औलाद को ही आप कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को या खूनी ब्लड रिलेशनशिप को कर सकते हैं, या रफाई इदारों को कर सकते हैं, इसके अलावा भी जो अगर तो कोई साहब एक हिबा करना चाहते हैं आउट ऑफ माई लव एंड अफेक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक किसी ने मेरी बड़ी खिदमत की है, वन ऑफ माई मेरी नीस, एक साहब ने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैं चाहता हूँ उसको अपनी प्रॉपर्टी का 20% मैं हिबा कर दूँ, तो ऑब्वियसली इस सूरत में क्या वो हिबा कर सकता है अपनी हयाती में सर? जी बिल्कुल, 20% अपनी नीस को कर सकता है। जी बिल्कुल, अपनी उस प्रॉपर्टी को किसी के भी नाम वो हिबा कर सकता है, उसका राइट है, जिसको मर्जी दे सकता है वो हिबा। हाँ अलबत्ता कोई 100% शेयर किसी को नहीं दे सकता, ताकि उसके जो अपने लीगल राइट्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो डिप्राइव नहीं कर सकता, बट कुछ प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा किसी को भी, अपने खूनी रिश्तेदार के अलावा किसी यार दोस्त को भी, किसी अजनबी को, किसी रफाई अदारे को, किसी गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन को, मस्जिद को, मदरसे को, वो हिबा कर सकता है अपनी जिंदगी में रहते हुए, अगर वो ये तीनों की तीनों शर्तें पूरी करे तो। अच्छा आपने वारसेन का जिक्र किया, अब एक वारसेन अगर चार बेटे हैं दो बेटियां हैं, एक बेटे से बहुत प्यार है उसको और खिदमत भी कर रहा है वो, उसने उसको एक अपना लिविंग हाउस था, एक ही उसकी प्रॉपर्टी थी, उसको कह दीजिए मैंने तुम्हें हिबा कर, क्या और ये अपनी हयाती में ही उसने उसको पोजेशन भी दे दी, मतलब कि एक तो बिल होती है ना सर, एक हिबा जो जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो जो डीड है उसने हिबा जो किया है बाद में अचानक ही आफ्टर हिज डिमाइज अगर ये दूसरों को रिवील होता है कि ये तो हमारे वाले साहब हिबा कर गए, क्या वो क्वेश्चन कर सकते हैं फॉर देम व्हिच इज चैलेंजेबल सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई दीगर वारसान उसमें मौजूद है और किसी एक को हिबा किया गया है और वो दूसरे वारसान को नहीं पता, कंसील किया हुआ है, छुपा हुआ है, या जिसके नाम हिबा हुआ है उसने छुपाए रखा हुआ है कि जी मैंने उस वक्त तक जाहिर नहीं करना जब तक मेरा बाप जो ना वो जिंदा है, या उसके बाद में जाहिर करूंगा, या कुछ अरसे के बाद जाहिर करूंगा, या कुछ हालात साजगार नहीं है, बाकी सारे मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, तो वो सारे वारसान इसके खिलाफ इस हिबे को चैलेंज कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर ऐसा हिबा जिस हिबे में बाकी वारसान एज ए विटनेस आ जाएं, सपोज तीन भाई हैं या चार भाई हैं, किसी एक भाई के नाम हिबा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बाकी जो तीन शख्स हैं, जो तीन उसके बाकी भाई हैं, वो दोनों एज ए विटनेस हिबे में आ जाएं और एक को शनाख्त निदा बना दें, ताकि उन्हें इस हिबे के ट्रांजेक्शन का इलम है और उसमें बकायदा तौर पर वो गवाह हों। अगर कोई एक सिस्टर भी अवेलेबल है उसको भी गवाह बना दें, उसके भी रिटर्न में ले आए, उसके सैन अंगूठे करवा दें कि ये मैं बाप हूँ, मैं आपने इस बेटे को तो हिबा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के नॉलेज के शेयर कर रहा हूँ और नॉलेज के मुताबिक कर रहा हूँ, तो वो भी क्वेश्चनेबल नहीं होगा क्योंकि उनको पता है। अगर कोई कंसीलमेंट आती है और कंसीलमेंट इस तरह की आती है कि उनके विरासती हकूक डिप्राइव हो रहे हों, उनके अपने जो विरासत में चीजें मिलने वाली उससे उसको महरूम किया जा रहा हो, तो वो क्वेश्चनेबल है सर। अच्छा आपका मतलब है कि इसमें कंसीलमेंट का जो फैक्टर है वो नहीं होना चाहिए, ऐलानिया होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐलानिया होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर दूसरा ये बताइए कि ये जो रफाई इदारों के लिए गिफ्ट करना, ये तो आपसी बातें हैं, जो हम उसको ज्यादा डोनेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, और एक साहब अपनी हयाती में जब चाहें उसको डोनेट करना चाहेंगे, या उन्होंने एक मकान था
वो उसको गिफ्ट कर दिया या डोनेट कर दिया, तो क्या उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो एज ए गिफ्ट डीड बनेगी या उस सूरत में क्या? बिल्कुल गिफ्ट डीड बनेगी उसकी भी, वैसे ही गिफ्ट डीड बनेगी जैसे दूसरी बन रही है। इसमें एक्चुअली उस अदारे का नाम आ जाएगा कि ये जो जगह है, ये मकान है, एज ए मैं उस ट्रस्ट को दे रहा हूँ, उसका नाम उसके बहक जो है ना वो निभानामा तैयार किया जाएगा और उसी तरह एग्जीक्यूट होगी जिस तरह दूसरे नाम। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन सर आई है, एक अथॉरिटी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी को आप अपने लीगल जो है वारसन है इसको लीगल हिस्से से विरासत से डिप्राइव नहीं कर, 100% डिप्राइव नहीं कर सकते, तो वो चैलेंजेबल है। सपोज हमारे माशरे में ये कॉमन कॉज जा रही है कि लोग अपने बेटों को हिबा कर देते हैं और बेटियों को छोड़ देते हैं, बेटियों को साइड पे लगा देते हैं। देहातों में जरी जमीनें इसी तरह हो रही हैं कि एक बाप है उसके पास कोई 200-400 कनाल जमीन है तो वो अपने दोनों बेटों में तकसीम हिबा कर देता है, बेटियों को डिप्राइव कर देता है। तो बेटियां फौरन कोर्ट में आ जाती हैं कि हमें जो ना अपने बाप की विरासत में कुछ नहीं मिला, खुदारा हम भूखे मर रहे हैं, हमारा कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है, वे रहे हमारे वाले साहब के पास 200 कनाल जगह थी, चार डिप्राइव किया जा रहा है। तो उस वक्त ये एक अथॉरिटी आई है कि किसी को आप उनके शरी हिस्से से डिप्राइव नहीं कर सकते, वो चैलेंजेबल होके हिबा खारिज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अच्छा सर, शरी हिस्से से डिप्राइव करने का क्या, बेटा हो उसका भी शरी हिस्से से डिप्राइव नहीं कर सकते? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, जी बिल्कुल, जो भी वारसन है बेवा आ जाती है, बेटे हैं और बेटियां हैं यही शरी वारसन है, इनको आप इनके विरासती हक से डिप्राइव नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने जो साथ ने ये किया था स्वाब लेने की खातर, उन्होंने कहा कि जी मैं को चलो जिंदगी में किसी को मैं गिफ्ट आउट कर दूं, किसी रिश्तेदारे को मुझे स्वाब होगा, क्या स्वाब जो आप ले रहे हैं लेकिन कोर्ट ने जो रूलिंग दी है वो ये है कि आप किसी को अपने वो खुशहाल है, बेटियां खुशहाल है, कोई ऐसा इशू नहीं है, और उसकी उस गिफ्ट या हिबे के अलावा भी और भी काफी प्रॉपर्टी है, तो फिर ये क्वेश्चनेबल नहीं बन रहा। हाँ जी, तो इसका मतलब अगर खुशहाल है तो फिर तो मेरा ख्याल वो वैसे ही चैलेंज नहीं करना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही सर। अच्छा सर, इजहार साहब माशाल्लाह ये क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है, इस पे मजीद आप देखिए कोई ऐसा कोई पॉइंट रह गया हो, व्हाट यू लाइक टू ऐड ऑन दिस? सही शेख साहब, एक और मैं बताना चाह रहा हूँ इस मौके के ऊपर कि अमूमन ये होता है कि बुजुर्ग कोई जिनके घर का कोई बुजुर्ग अचानक बीमार हो गया या अचानक हार्ट अटैक हो गया, तो जो उसके बेटे होते हैं फौरन उसकी जायदाद के ऊपर, बैंक बैलेंस के ऊपर या उसकी प्रॉपर्टी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह ना करे कल को कोई इनके साथ कोई नाकहानी सूरत हो गई, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम कोर्ट कचहरी में जाएं, हमारी बेटियां तो ऑलरेडी वहां पे सही नहीं रह रही, तो जब उनके दामादों को या बहनोइयों को पता चलेगा तो और ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, तो हम क्यों ना इनके अंगूठे वगैरह अभी लगवा लें। वो बेचारा इनसेन होता है, बेहोश होता है, और बेहोशी की आलम में ही उनके रजिस्ट्रियों के ऊपर या गिफ्ट डीड के ऊपर अंगूठे लगा के तो वो ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस तरह के सूरत हाल में भी बाजता इस चीज की जो सूरत हाल है ये मना है। उस पे आप अंगूठा लगवा लें और बाद में ये साबित हो जाए कि ये डेथ बेड पे थे एट दैट टाइम और मेडिकली ये प्रूव हो जाए, रिकॉर्ड से प्रूव हो जाए, तो ये तो वो चैलेंज हो जाएगा। वो जी बिल्कुल रेवोकेट हो जाएगा, वापस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऐसा हिबा, तो उसके लिए 90 डेज का टाइम फ्रेम भी है कि अगर अच्छा। कोई बंदा गिफ्ट कर रहा है 90 डेज तक वो अलाइव है तो वो डेथ बेड हिबा काउंट नहीं होगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, अगर 90 डेज हो तो वो नहीं होगा, अगर 90 डेज के बियॉन्ड भी है लेकिन हालातों वाकया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ऐसी आ जाती है तब भी ये क्वेश्चनेबल हो सकता है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली सर, तो ये मैं ये मना है, ये नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छा इफ़ार साहब, आपने तो बड़ी अच्छी काफी हद तक हमारा एरिया जो कवर हो गया, एक चीज बार बार आपने कही है कि क्या कानूनी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी चीज ये देखी जरूर जाएगी कि जब भी ये गिफ्ट दिया गया
और जैसे गिफ्ट देने के लिए बड़ा जरूरी है कि एक साथ दे रहे हैं, दूसरे साथ एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, और पोजेशन जो है उसकी वो फिजिकली वो अपनी वहां से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर होना जरूरी है। जरूरी है। और अगर जहां पे जो जो चीज जहां पे ये लॉ कहता है कि ये रजिस्टर होना है, उसके डॉक्यूमेंट वो बनेंगे अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द लॉ, और फिर वो अपनी अपनी प्लेस पे वो रजिस्टर भी रेलिवेंट अथॉरिटी के पास होंगे। ऐसे ही सर, एग्जैक्टली सर। और फिर एक साफ के लिए कदगल ये भी आ गई है, जैसे कि अभी अथॉरिटी आई है कि भी आप किसी का हक मारते, आप किसी को हक से अपने वारस को हक से महरूम करके आप अपना जो है ना किसी को रुपया को हिबा नहीं कर सकते। जब करना है तो पहले अपने वारसेन को आपने सेटिस्फाई करना है या उनको उनका हक देना। ऐसे सर जी, ऐसे ही बिल्कुल। और कोई पॉइंट अगर रह गया तो फिर उसको वाइंड अप करते हैं खास साहब। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह फिर कहीं देख लेंगे, कोई हुआ तो आप भी देखिएगा जिन में, हम किसी और टॉपिक में ले आएंगे। मेरे नजर में तो माशाल्लाह इट्स इनफ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग टू द शो लाइक अगेन गाइडिंग अस इन द वेरी थैंक यू लॉफुल मैनर एंड द लीगल प्रोसीजर्स एज रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ हिबा। अक्सर हम सब कहते तो हैं कि मुझे यार कि मुझे प्रॉपर्टी हिबा हो गई थी या मैंने हिबा कर दी थी, फलाने ने फलां को हिबा कर दी थी, लेकिन हमारे चैम्बर्स में हवा तीनों रात ऐसे फिर केसेस फिर काफी सारे आ जाते आते रहते। होता यही है कि जो एग्जीक्यूट किया गया वो प्रॉपर्ली उसकी वर्डिंग प्रॉपर नहीं थी, सही तरीके से वो स्टैंप रह गई थी, टाइमिंग का नॉट प्रॉपर, ब्लैक डे का स्टाम्प पेपर लाने की कोशिश की गई थी, तो ये चैलेंजेबल हो जाता है, रिवोकेबल हो जाता है, क्वेश्चनेबल हो जाता है। काम तो करना ही है। देखिए किसी को गिफ्ट देना हुब से देना कितनी अच्छी बात है कि आपको उसके हुब थी, आपने उसको गिफ्ट देना था, तो क्यों ना खवातीन हजरात थोड़ा सा टाइम या एफर्ट या थोड़े से पैसे अगर लगते हैं लगा के उसको लीगल तरीके से करें, ताकि जो आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपने एग्जीक्यूशन करनी है, वो जो अगर कानूनी तरीके से होगी तो आपके लिए भी बेहतर होगा और जो आपका गिफ्ट ले रहा है उसके लिए भी बेहतर होगा कि वो उसको पीसफुली इंजॉय। ये जब तक अगर पीसफुली वो एंजॉय नहीं करता या करती, तो आप देखिएगा आपके उस डॉक्यूमेंट को उसको गिफ्ट देने का कितना जो आपका वेरी पर्पस था आउट ऑफ योर लव एंड अफेक्शन, वो तो फिर बुरा ना हुआ, बेचारे को परेशानी में डाल दिया गया। तो ये सारे जो काफी सारे फैक्टर हैं और क्या उसके तरीके हैं ये अफ़्तार साहब ने बताया है। अफ़्तार साहब एक बार फिर आपका आने का शुक्रिया। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल कीप ब्रिंगिंग फॉर यू सच इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए बड़े अहम होते हैं। और हम एक और बात हम आपसे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए इसको एक समझना आसान हो और आपके लिए ऑब्वियसली आसान हो। अल्लाह ताला आपको और हम सबको एक दूसरे के लिए आसानी पाए। अफ़्तार साहब का एक शुक्रिया करते हुए आपका शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन। इंशाल्लाह। Thank you very much, sir.